गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को। और हम फिर से आ चुके हैं एक और नए खेल में, लेकिन दोस्तों इस बार रूल्स चेंज हो चुके हैं। इस बार ये जितने भी लोग हैं ये लोग छुपेंगे और मैं इनको ढूंढ कर खत्म करूंगा। कहने का मतलब आज हम खेलने जा रहे हैं हाइड एंड किल। ये बिल्कुल नया ही कॉन्सेप्ट होगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि गाइज ये जिंदगी और मौत का सवाल होने वाला है इस गेम में। तो ये लोग छुपेंगे अपनी शातिर और खातिरदारी से और मैं इनको पकड़ूंगा आप सभी की मदद से। तो गाइज यहाँ पर थ्री हेडेड जायंट आयरन मैन आया है ग्रीन वाला, इसको भी छुपना होगा इस स्टॉक मैंसन में। तो दोस्तों आज बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस कुछ ही टाइम में ये लोग अभी छुपना स्टार्ट कर देंगे और मैं यहां पर अकेला रह जाऊंगा और इन सभी को पकड़ूंगा। ये क्या? तो ऑल राइट गाइस, जिस जिस बच्चे को मेरी टीम में आना है उसको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद सब बच्चे मेरी टीम में आ जाएंगे और हम साथ मिलकर इन लोगों को ढूंढेंगे और गाइस हम इनको किल करेंगे, क्योंकि हाइड एंड किल का यही तो मजा है। तो यहां पर देखिए मैं आ चुका हूं बाहर, जहां पे चारों तरफ सिर्फ ग्रास ही ग्रास है। ग्राउंड एकदम क्लियर लग रहा है मुझे, कोई दिख नहीं रहा है। लगता है गाइस यार प्ले ग्राउंड में कोई ना कोई तो छुपा हुआ ही है। ऑलराइट गाइस, यहां पर कोई है नहीं, एकदम क्लीन है पूरा का पूरा ग्राउंड। और नीचे भी देखिए कोई नहीं है, सिर्फ खाली पेड़ पड़े हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इधर तो कोई है नहीं, हमें अंदर जाकर देखना पड़ेगा। स्टॉक मैंसन बहुत ही बड़ी जगह है, इसलिए दोस्तों एक एक कोने को हम छान मारेंगे और आप में से किसी भी बच्चे को कोई दिखे तो एक बार कमेंट में लिख देना, मैं आप सभी के कमेंट रीड करके उनको पकड़ के किल कर दूंगा और गाइस यहां पर जीत हमारी होगी। यहां पर एक व्हाइट बोर्ड है, पता नहीं ऐसे क्यों रखा हुआ है टोनी स्टार्क ने, और कोई मुझे दिख नहीं रहा है। सिंपल सा यहां पर हमारी चेयर्स हैं बैठने के लिए और देखिए एकदम क्लीन ग्राउंड पड़ा है। एक मिनट गाइस, कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि उनको डॉक्टर स्ट्रेंज दिखा, वो भी टेबल के पीछे ऐसा। लेकिन गाइस यहां पर टेबल तो बहुत सारी हैं, जैसे कि एक मिनट, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चेयर के पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज है ऐसा। तो गाइस चेयर तो देखो यहीं पर है इतनी सारी, तो यहीं पर शायद डॉक्टर स्ट्रेंज छुपा होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। अरे मेरे को ढूंढने लगा, अरे डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज आई। ओहो भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने यहां पर ढूंढा और किल कर दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज हो चुका है पूरी तरह से गेम में से एलिमिनेट। तो गाइस एक बंदा तो गया, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत मजा आएगा। फिलहाल तो गाइस नॉर्मल बंदों के लिए हम नॉर्मल गन यूज कर रहे हैं, लेकिन हम हल्क्स को हराने के लिए सुपर गन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है, इस गन से तो असर तक ना पड़े उनको। तो दोस्तों यहां पर देखिए मैं आ चुका हूं फर्स्ट फ्लोर के पहले रूम में, जो कि एकदम क्लीन एंड क्लियर पड़ा है। इसी तरह से दोस्तों मेरी मदद करते रहना, क्योंकि इस मैच को मैं जीतना होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि गाइस अगर एक भी बंदा मैंने छोड़ दिया ना, तो दोस्तों यार वो मुझे मार देगा। तो अगर आप नहीं चाहते आपका फ्रैंकलिन भाई मरे उनके हाथों से, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना, मतलब जो भी दिखे बताना मुझे कॉमेंट में लिखकर और हम उन सबको साथ में ढूंढ के किल कर देंगे। तो गाइस यहां पर एकदम ग्राउंड क्लियर है, डॉक्टर स्ट्रेंज तो मिल गया था यार, बाकी के लोग मुझे दिख नहीं रहे, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। लेकिन दोस्तों हम उसको ढूंढ कर रहेंगे, चाहे वो कहीं भी छुपे हो। ऑलराइट, यहां पर कुछ पत्थर हैं, पता नहीं यार ये रॉक्स वॉल पर कैसे रुके हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कहीं गाइस इनके पीछे कोई है तो नहीं, गोली मार के देखते हैं। नहीं यार मुझे तो लग नहीं रहा। अगर आपको गाइस यहां पर कोई दिखा तो कमेंट में जरूर लिखना, हल्क दिखाओ तो हल्क लिख देना, या अवेंजर्स की टीम का कोई बंदा दिखाओ तो अवेंजर लिख देना, हम उनको ढूंढ लेंगे। तो गाइस इधर आ चुका हूं, यहां पर तो सिर्फ कंटेनर्स हैं, पता नहीं ये कंटेनर्स क्या कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, आप सभी कमेंट ही पढ़ लेते हैं। गाइस कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि उन पत्थरों के पीछे, रॉक्स के पीछे कोई हल्क छुपा हुआ है, कौन सा हल्क भाई, देखना पड़ेगा मुझे। तो गाइस देखिए यहां पर टोटल 5 रॉक्स हैं बड़े बड़े, जो कि वॉल से अटैच्ड हैं, और शायद इनके पीछे कोई छुपा हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर कोई हल्क है, क्योंकि आप सभी लिख रहे तो होगा। अरे गाइस ये रहा, ये तो एक व्हाइट डेविल हल्क है। अबे फ्रैंकलिन मैं पकड़ा गया कैसे, क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया था। और यहां पर गाइस व्हाइट डेविल हल्क को हमने किल कर दिया है। देखिए यहां पर मैंने इसको एक सुपर गन से मारा, तब जाके तो उस पर असर पड़ा भाई, बहुत हार्ड था दोस्तों, ऐसे तो चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अभी ना हमने टोटल 2 मेंबर ढूंढे, ऑलरेडी 4 मिनट हो गए हैं गाइस, हमें हरी करनी होगी, क्योंकि यहां पर अगर मैं एक भी बंदे को मिस कर दिया ना, तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों जिंदगी और सवाल है मौत का, तो हमें यहां पर जीतना होगा ही। तो गाइस यहां पर प्ले ग्राउंड में मैं एक बार हो आया था, तो मेरे हिसाब से दोबारा जाना वेस्ट ही होगा। हम यहां पर आ जाते हैं, यार आगे तो समुंदर है, कुछ और है, फिसलन है भाई, मैं गिर विर ना जाऊं, इसके आगे आगे रह लेता हूं। गाइस यहां पे बड़े बड़े झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपको कोई यहां पर दिखा हो तो कमेंट में जरूर लिखना, बाकी तो मैं काम करता हूं, वापस से इधर चलता हूं। बच गया यार, बहुत रपटनी हो रही थी, मतलब मेरे जूते भी रपट रहे थे भाई, मेरे को अच्छी क्वालिटी वाले शूज लेने होंगे अगर ये गेम खेलना है तो, खतरे से कम नहीं है ये गेम। तो गाइस यहां पर ना मैंने पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। और दोस्तों यहां आ चुका हूं मैं बेसमेंट में, ओ माय गॉड यहां पर बेसमेंट भी खाली है,
एक मिनट आप सभी के कमेंट ही पढ़ लेते हैं। तो गाइस कुछ बच्चे लिख रहे हैं, झाड़ियों में ग्रास के पास टोनी स्टार्क छुपा हुआ है, ऐसा? कितने बच्चों को टोनी स्टार्क दिखा था वहां पेड़ पर, पेड़ के पास? तो कमेंट में यस लिखो। गाइस देखिए ये रहा पेड़, कहीं इसमें तो नहीं है? अरे नहीं गाइस इसमें तो है नहीं। बाकी पेड़ कहां थे? उधर तरफ था गाइस, राइट साइड। तो गाइस अगर आपको टोनी स्टार्क दिखा हो पेड़ों में तो कमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी तो देखो मैं चेक कर रहा हूं, अरे भाई टोनी स्टार्क कहां पर है? अब फ्रैंकलिन यार ये क्या हो गया, तूने कैसे ढूंढ लिया मुझे? और हमने टोनी स्टार्क को भी ढूंढ लिया और इसको किल कर दिया है। ओके गाइस तो हमने यहां पर टोटल 3 बंदों को किल कर चुके हैं, अभी बहुत सारे लोगों को भी ढूंढना होगा हमें। ये गेम बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन हमारे पास समय भी तो कम बचता जा रहा है, इसलिए हमें ध्यान से गेम को कंटिन्यू रखना होगा। यहां पर पत्थर के पीछे व्हाइट डेविल मार दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज भी मार दिया और टोनी स्टार्क भी। और गाइस ये कंटेनर्स हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इन कंटेनर्स में भी कोई हो सकता है क्या, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको कोई दिखे इन कंटेनर्स में तो कमेंट में जरूर बताना यार, इतने ऊंचे ऊंचे हैं भाई, कौन छुपा होगा इनमें? कोई छुपा भी होगा नहीं, कोई घास वास में तो नहीं है? खैर कोई नहीं, अब उधर चलते हैं दोस्तों, हमें दिख ही जाएगा कोई ना कोई। यहां पर तो एक वॉल लगी हुई है 3D वॉलपेपर्स की, पता नहीं ये वॉल क्या कर रही है, इसमें तो कोई नहीं है। अबे कोई है तो बाहर निकल, मुझे कोई दिख नहीं रहा गाइस। बाकी आप सभी को अगर कोई दिखे तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उधर जाता हूं और जाकर देख लेता हूं। देखिए गाइस यहां पर भी बस नॉर्मल सा रूम है, एकदम खाली प्लेन पड़ा है। बाकी इधर जाके देख लेते हैं हम नीचे, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे था। एक मिनट, यहां पर कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि उनको हल्क दिखा था, कहां हल्क? कौन सा वाला हल्क भाई, ये भी तो लिख दो ठीक से गाइस, ठीक से लिखा करो, उससे ना मेरी हेल्प जल्दी हो जाती है। तो गाइस कुछ बच्चे ओके, तो यहां पर वॉलपेपर्स हैं, कहीं इनके पीछे तो कोई हल्क नहीं है? अगर है इनके पीछे कोई हल्क तो कमेंट में यस लिखो। बाकी मैंने निकाली सुपर गन, ये मारी, अबे क्या हो गया, अरे वाह यहां तो एक 6-headed ग्रीन रिवेंजर हल्क है, ये ले तेरी। तो गाइस हमने यहां पर 6-headed ग्रीन रिवेंजर को सही मारा, और सही मारा, ओ माय गॉड बहुत ही ज्यादा सही मारा मैंने इसको दोस्तों। और देखिए किस तरह से ये एलिमिनेट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब एक काम करते हैं हम ना, यहां पर बाकी लोगों को भी जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं। अरे 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 आराम से यार। ओके गाइस तो यहाँ पर टोटल 4 बंदे हमने ढूंढ लिए, अभी बाकी लोगों को भी हमें ढूंढना पड़ेगा यार कहाँ पर है। एक काम करते हैं दोस्तों, हम ना सीधा चलते हैं बेसमेंट वाले एरिया में चल लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है बेसमेंट में किसी ना किसी को तो मैंने मिस कर दिया, क्योंकि अभी एक भी बंदा हमने ढूंढा नहीं। अरे गाइस थक गया मैं, पूरी बेसमेंट छान मारी, मुझे कोई मिला नहीं, टाइम भी बहुत जल्दी जा रहा है, कहाँ जाऊँ? इधर सब चलते हैं, यहाँ पर एक पूल है गाइस, कोई पूल में छुपा हुआ ना हो। देखिए पूरा ये बाथ हाउस है और यहाँ पर जो पूल है, अरे ये क्या, ये तो एक सोलार प्लेट लगी पड़ी है पैनल वाले, अरे भाई वो क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट गाइस यहां पर हम हट जाते हैं। ऑलराइट तो यहां पर ये सोलर बड़ी बड़ी पैनल है, पता नहीं इधर क्या कर रहे थे, उधर तो मुझे कोई दिखा नहीं यार। चलो एक काम कर लेते हैं हम ना, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप सभी कमेंट ही पढ़ते हैं। एक मिनट, कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं उनको पूल में हल्क बस्टर दिखा, ब्लू वाला। अच्छा 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 ऐसा, किस किस बच्चे को ब्लू हल्क बस्टर दिखा है वो कमेंट में जरा यस लिख दो एक बार। बाकी तो मैं काम करता हूं यहां पर। अरे अरे एक मिनट, मुझे नीला नीला कुछ तो दिख रहा है यार, लेकिन अरे यार उसको कुछ हो रहा है सिंगल गन से, मुझे यहां पर सुपर गन निकालनी होगी। ये देखिए गाइस हमने यहां पर 3-headed ब्लू हल्कबस्टर को भी एलिमिनेट कर दिया है, मतलब पूरी तरह से किल ही कर दिया है। अरे यार एक मिनट, ये तो कैसे तड़प रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये 3-headed नहीं थे तो 4-5-headed थे, लेकिन हमने सबको किल कर दिया। और यहां पर टोटल 5 मेंबर हमने अभी तक किल कर चुके हैं, अभी और लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा। अरे यार वो बड़ा सा जायंट आयरमैन कहां गया और ब्लू हल्क कहां गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि ये लोग कहां छुपे हुए होंगे। लेकिन पूछ और ढूंढ सबको लेंगे, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से हमें ढूंढना होगा। बाकी तो आप लोग बताना मुझे गाइस यार, ये कंटेनर में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, कहीं इसमें कोई छुपा हुआ तो नहीं है? अरे बाप रे, एक काम करते हैं गाइस हम ना जल्दी से वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको कोई दिख रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना, बाकी तो मैं खुद से ही चेक कर रहा हूं दोस्तों। यार हम ना जल्दी जल्दी जाते हैं, यहां पर देखिए ग्रीन रिवेंजर भी पड़ा है पूरी तरह से बेहोश, मतलब किल्ड ही है, पूरा खत्म है भाई, कुछ उसमें बचा नहीं है। और दोस्तों इधर भी देखिए बेडरूम है और इधर कुछ है नहीं। तो गाइज एक काम करते हैं हम ना ये वाले एरिया को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि भाई इधर कुछ है नहीं, मुझे जाके कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तो गाइज एक मिनट, कमेंट में कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि उनको ब्लू हल्क दिखा था इन कंटेनर्स में, ऐसा? तो गाइज यार अगर ऐसी बात है तो हमको इन कंटेनर्स को तोड़ फोड़ना होगा, तभी जाके मैं उसको ढूंढ पाऊंगा, मुझे तो दिख नहीं रहा है। कितने बच्चों को इधर कोई ब्लू हल्क दिखा है कमेंट में यस लिखो। अरे दिख गया भाई वो, अरे फ्रैंकलिन यार तूने मुझे कैसे ढूंढ लिया, अब तो भाई तू किल होगा सीधा, क्योंकि यहां
पर मैंने तुझे ढूंढ निकाला। और दोस्तों अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी जाते हैं और जाकर देखते हैं वो जायंट वाला आयरन मैन कहाँ पर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मेरे हिसाब से तो दोस्तों वो भी यहीं कहीं छुपा होना चाहिए। जल्दी जल्दी जाता हूँ और जाकर उसको भी मैं ढूंढता हूँ। गाइस स्टार्क मैंसन पूरा ढूंढ लिया मैंने लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। देखिए पूरा ग्राउंड यहाँ पर क्लियर है, अब देखते हैं बाकी स्टार्क मैंसन के अंदर कोई हो। अरे यार इधर भी कोई नहीं है। एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना जिम वाले रूम में जाता हूँ, इधर तो मैं गया ही नहीं था। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर भी एक सोलार पैनल की प्लेट लगी हुई है, ये इधर क्या कर रही है? उसके पीछे कोई छुपा हुआ तो नहीं है? इस बात को तो हमें अभी के अभी पता करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको तोड़े फोड़े कैसे? अगर आपको कोई दिख गया है तो कमेंट में लिख देना। बाकी तो यार मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं उस पूरे के पूरे पैनल को तोड़ दूं। मैं क्या सोच रहा हूं गाइस, अपनी सुपर गन से इसको तोड़ फोड़ देते हैं। चलो गाइस जल्दी चलते हैं वापस से जिम में और निकालते हैं अपनी सुपर गन। और मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई है। कुछ बच्चों ने यार लिख भी रखा है कि इसके अंदर कोई हल्क है ऐसा। अरे यार ये इसको, एक मिनट, कुछ उंगलियां दिख रही है भाई, मुझे तो दिख गई। अरे ये तो एक गैराज के डोर की तरह था, अब खुद ही खुल गया। अरे तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। ये ले बेटा, ये तो खुद ही खुल गया लगता है। गाइस मैंने हल्की उंगली देख ली थी तो ये ना कोई पासवर्ड होगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो खुद ही खुल गया। और यहाँ पर हमने हल्क को भी एलिमिनेट कर दिया है बहुत ही सही तरह से। लेकिन दोस्तों अब भी ना यार वो बड़ा वाला मॉन्स्टर जायंट आयरन मैन बचा है, वो तो जरूर स्टार्क एवेंजर के बाहर ही होगा, इधर तो होने वाला नहीं है। हमने काम करते सीधा निकलते हैं और जाकर उसी को ढूंढते हैं। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा मुझे। देखो गाइस यहाँ के ग्राउंड पूरे क्लियर थे। एक मिनट, ये पेड़ कुछ ज्यादा आपको हरा हरा नहीं लग रहा? अरे भाई ये तो जायंट आयरन मैन के पैर थे जो मुझे ग्रीन ग्रीन दिख रहे थे। और हमने इसको भी यहाँ पे पकड़ के इसको किल करने का पूरा प्लान बना लिया। और यहाँ पर जायंट वाला जो आयरन मैन है उसके तीनों हेड पूरी तरह से किल हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर हमने हर एक मेंबर को ढूंढा। और यहाँ पर गाइस अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखना है तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।